स्टूडेंट वेलकम। क्वेश्चन 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम, भाई उनका सम क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण, पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता है 90। इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन देयर सम विल बी 180। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री जब दो एंगल का सम आपका 180 हो। टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, भाई लीनियर पेयर हमें पता है बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा एंगल जो लाइन पे बनते हैं उनका सम 180 हो, भाई लाइन पे बनने वाला एंगल है तो भाई 180 तो हो गई सम, तो वो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री भी कहलाते हैं, संपूरक भी कहलाते हैं। तो इस वाले में आपका आ जाएगा संपूरक, सप्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट है, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर आपके दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो, मतलब जिनका सम 180 हो, तो वो लीनियर पेयर होंगे, रेखीय कोण युग्म। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक बिंदु पे दो लाइन प्रतिच्छेद कर इंटरसेक्ट कर रही है, तो देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल आर, भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? इक्वल, बराबर। सो इसमें आपके नेक्स्ट है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट, एक उनमें से क्या है न्यून कोण है, तो दूसरा, अब जैसे यहाँ पे देखिए, अभी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण का जो ये आपका आंसर है, देखो ये, देखो ये भी 55, ये भी 55, 90 से कम, जीरो से बड़ा एक्यूट एंगल, तो ये बचावा क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली थी वाई की, कितनी आई थी 125, तो देखिए 125 तो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा, तो ये ऑब्स्टिट्यूट एंगल हो गया, तो जेड भी तय है ना, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्स्टिट्यूट यानी अधिक कोण। ठीक है, अब आपको एक एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है, बहुत सारे एंगल है यहाँ पे दिए हुए हैं, ज्वाइन करके आपको ना नेम बताना है। ऑब्स्टिट्यूट वर्टिकल अपोजिट एंगल, अधिक कोण भी होना चाहिए और वर्टिकल अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख भी होना चाहिए। तो कौन कौन से एंगल है, देखो ए ओ डी एंड बी ओ सी, देखिए बेटा ये वाला एंगल बात कर रहे हैं, दिस वन, ये 180 से छोटा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल की बात हो रही है, ये 180 से छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है, ओ सी भी ऐसी है, 180 से छोटा 90 से बड़ा, तो भाई 180 से छोटे लेकिन 90 से बड़े जो एंगल होते हैं वो ऑब्स्टिट्यूट कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं, और ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट भी है, वाई, बिकॉज ये दो लाइन जो है ना आपकी बी डी एन ए सी, जब ये प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तब ये एंगल बन रहे हैं, तो और वही अपोजिट है एक दूसरे के। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, भाई एडजेसेंट भी होना चाहिए, आसन्न कोण भी होना चाहिए, मतलब जिसका कॉमन वर्टेक्स उभयनिष्ठ शीर्ष, कॉमन आर्म उभयनिष्ठ भुजा हो, वो एडजेसेंट आसन्न। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, दो एंगल जिनका सम 90 हो, तो बी ओ ए और ए ओ ई, बी ओ ए और ए ओ ई, आप देख रहे हैं दोनों को जोड़ के 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी कॉम्प्लीमेंट्री, और इनके कॉमन आर्म उभयनिष्ठ भुजा ओ ए है और उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन वर्टेक्स उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बी ओ ई और ई ओ डी, बी ओ ई और ई ओ डी, ई ओ डी दोनों, देखिए ये भी 90 है ये भी 90 है, ओके, तो 90 90 180, जब दो एंगल का सम आपका 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री के रहता है, और ये दोनों ही इक्वल है 90 और 90 के, अनइक्वल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होना चाहिए लेकिन अनइक्वल, तो देखो कौन कौन सा, बी ओ सी एंड सी ओ डी, इन्हें जोड़ के 180 का एंगल तो बन रहा है लेकिन ये छोटा एंगल है, ये सी ओ डी और बी ओ सी का बड़ा एंगल है, तो अनइक्वल हो गए ना, है ना, संपूरक भी है और बराबर भी नहीं है, असमान है। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे आसन कोण जो लीनियर पेयर यानी लीनियर पेयर जिन दो या दो से ज़्यादा आपके ज़्यादा एंगल का सम 180 होता है वो लीनियर पेयर कहलाता है, लेकिन ये ऐसे एडजेसेंट आसन कोण होना चाहिए जिन जो है ना लीनियर पेयर नहीं हो, मतलब जिनका सम 180 नहीं हो, तो बी ओ ए और ए ओ ई, बी ओ ए और ए ओ ई, देखो ये ऐसे आपके एडजेसेंट एंगल हैं, देखो अभी आपको बताया था ओ ए इसका कॉमन नाम है उभयनिष्ठ भुजा है, ओ ओ
कॉमन वर्टेक्स है, उभयनिष्ठ शीर्ष है और इन दोनों एंगल का सम 90 है, 180 नहीं है, तो ये ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर नहीं है, जो रेखीय कोण युग्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश हो गया आपका बेटा, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे इस एक्सरसाइज के, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।